नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 का आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, यह यूं कहें कि आज फाइनल फाइट दिखाई दे रही है और राजनीति के मैदान में नेता एक दूसरे के ऊपर हावी होते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ताबड़तोड़ जनप्रचार करते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने का प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में तेजस्वी यादव लगातार जनप्रचार करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी काफी सक्रिय नजर आ रही है और वहीं भारतीय जनता पार्टी देश भर में तमाम रैलियां कर रही है। लेकिन इस बीच राजा भैया का जो समर्थन अखिलेश यादव को मिला है, जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी का जो समर्थन यहां पर अखिलेश यादव को मिला है, ऐसे में अखिलेश यादव की चुनाव जीतने की यहां पर जो उनकी कोशिशें हैं और इच्छाएं हैं वो ज़्यादा भी बढ़ती भी नज़र आ रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि राजा भैया जैसे नेता जो समाजवादी पार्टी से अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत करते हैं, इसके साथ साथ मुलायम सिंह यादव के आदर्शों पर चलते हुए राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाते हैं, वो लोग हमारे साथ आ चुके हैं। पूर्वांचल की राजनीति की बात करें तो 6 सीटों पर राजा भैया का जबरदस्त सियासी प्रभाव देखने को मिलता है। उनमें प्रतापगढ़ कौशाम्बी प्रमुख रूप से हैं, तो बलिया महाराजगंज जैसी सीटें भी पीछे नहीं है। यहाँ पर राजा भैया का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। मिर्जापुर और इसके साथ साथ फूलपुर की सीटें भी यहाँ बड़ी सीटों के रूप में देखी जाती रही हैं। यानी कि राजा भैया उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के गढ़ में यहाँ पर क्या सेंधमारी करने वाले हैं। आपको बता दें कि जनवरी में लोकसभा के राज्यसभा के चुनाव संपन्न हुए थे, उस दौरान राजा भैया ने अखिलेश यादव के कहने पर यहाँ समाजवादी पार्टी को समर्थन नहीं दिया। राजनीति के तमाम जानकारों का ये कहना है कि राजा भैया भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों को खुश रखना चाहते हैं, लिहाजा अब सपा को समर्थन देने की बात करते नजर आए। अब देखना ये होगा कि राजा भैया का अखिलेश यादव को समर्थन देना और उनके तमाम समर्थकों का यहाँ राजा भैया के पक्ष में उतर आना, जन प्रचार करना और वोट की अपील करना, क्या समाजवादी पार्टी के लिए वोट का एक बड़ा यहाँ पर आधार बन पाएगा? क्या पूर्वांचल की राजनीति में समाजवादी पार्टी कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगी? क्या योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ होते हुए भी इंडिया गठबंधन इस किले को भेद लेगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।